हे गाइस किदा जी, दिस इज एम एन वी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह ब्रॉनी को वॉक करवा के अपने लिए ब्रेकफास्ट बना के, अभी जस्ट मैंने खाया है, ये सब कर रहा था सुबह उठ के। एंड अब मैं करने वाला हूँ अपना रूम थोड़ा सेट, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हुआ पड़ा है। सारा सामान इधर उधर है, मेरा लगेज भी है, मेरे को अनपैक करना है जो मैं घर से लेके आया हूँ। एंड ऑल्सो जो मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ शू की क्रेट्स रखने वाला हूँ पूरी, और बिकॉज शूज़ बाहर पड़े हैं पता नहीं कब से, वो फाइनली आ चुके हैं बहुत देर के बाद। सो अभी डिलीवर हुई है तो मैं उनको भी अब लगाने वाला हूँ यहाँ पे, शू को स्टैक करने वाला हूँ, बिकॉज बहुत टाइम से आपने देखा ही होगा मेरे व्लॉग्स में ऐसे बस बिखरे पड़े शूज़, तो अब स्टैक हो जाएंगे प्रॉपरली। एंड और भी एक दो अमेजोन का ऑर्डर आया हुआ है, खोल के देखता हूँ उसमें क्या आया। वैसे मैंने आई गेस घर के लिए ग्लास वगैरह मंगाए थे, एंड एक तो छोटी छोटी चीज़ें मंगाई थी, तो उसको भी अनपैक करते हैं, ये सब करने वाला हूँ। उसके बाद फिर मैं निकलूँगा 2:30 अपने शूट के लिए, जो मैंने आपको बताया था मेरा शूट है उसके लिए जाऊँगा। सो यस, दिस इज द प्लान राइट नाउ। एंड जिम होगा शाम को ही ऑफकोर्स, जब उन्नति आ जाएगी तभी मैं जा पाऊँगा ब्रॉनी को उन्नति के पास छोड़ के। सो दिस इज द प्लान, पहले करते हैं अपना रूम सेट अच्छे से, लेट्स गो। सो गाइस, पूरा आधा घंटा लगा के मैंने अपनी अलमीरा तो थोड़ी बहुत सेट कर दी है, ये काम तो हो गया। अब मैंने खाना ऑर्डर किया था वो आ गया, मैं खाना खाता हूँ। सीजर सैलड ऑर्डर किया था तो वो मैं खाता हूँ आराम से। एंड जो सारे वो बॉक्सेस शू वाले अनबॉक्स करने थे एंड अमेजोन वाले सारे पैकेज खोलने थे, वो मैं करूंगा अपने शूट के बाद, बिकॉज मैं वरना शूट के लिए लेट हो जाऊंगा, मेरे को नहाना भी है। तो खाना खा के नहाने जाता हूँ, रेडियो के शूट के लिए निकलता हूँ। क्यों बोलू, क्यों मेरा गुगला? 3, 2, 1 बेहोश। सो ये आ चुका है मेरा लंच, सीजर सैलेड। सीजर सॉस वैसे साइड पे दिया, मेरे को मिक्स करनी पड़ेगी, वैसे बढ़िया है जितनी डालनी उतनी डालो, ऐसा रहेगा परफेक्ट। एंड मेरे को खाना बनाने का तो टाइम ही नहीं मिला, बिकॉज इस सब में बिजी था, अभी तो बहुत काम पड़ा है। यहाँ पे सारे बॉक्सेस आ जाएंगे तो ये सब उड़ जाएगा, सो काफ़ी सॉर्टेड लगेगा आई गेस। अभी ये भी सब सेट करना है, बट ये होगा सब शूट के बाद। ब्रॉनी तब तक आप रेस्ट करो, मैं फटफट शूट करके आता हूँ, अभी के लिए खाते हैं। सो गाइस, वी आर डन विद द शूट। कितना टाइम लगा हमें? एक घंटे में हमने एक प्रॉपर ब्रांड शूट कर लिया है। एंड बहुत स्पेशल शूट था ये फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, तो आपको पता लग जाएगा जब मैं पोस्ट करूंगा, आप थोड़े हैरान होंगे, शॉक्ड होंगे, बट मेरे लिए फन था बिकॉज मैंने ये चीज काफी टाइम बाद की है। जिस बिल्डिंग में हम शूट करने आए थे उसमें एक बीटी है कि हमें पार्किंग जो है वो है ये वाली लिफ्ट वाली पार्किंग है। कब से खड़ा है, 10-15 मिनट से वहां पे खड़ा है, लिफ्ट आ ही नहीं पा रही है। वो आएगी, पहले आई थी वो, कोई और गाड़ी चलेगी नीचे, अभी हम वेट कर रहे हैं, अभी आएगी फिर गाड़ी अंदर डालेंगे फिर बैठेंगे नीचे लेके जाएगी, वाले सिस्टम मेरे को नहीं समझ आया। एक तो छोटी छोटी बिल्डिंग्स है यहाँ पे, ठीक है वो सॉर्ट रहता है, जैसे हमारी बिल्डिंग है ना सीधा ऊपर चढ़ाई कहीं भी पार्क कर दी, वो बेस्ट है। इसमें तो यार कितनी बीटी है, मतलब जिनकी लिफ्ट वैसे अपार्टमेंट्स में, घर में, मैं उनको सोचता अगर लाइट चली जाए या फिर बीच में कुछ हो जाए, फिर कुछ भी हो सकता है यार। लिफ्ट में गाड़ी जा रही है आपकी, लोग लिफ्ट में जाते तब इतना कुछ हो जाता है, गाड़ी का तो क्या ही सीन है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग ही है, बट ठीक है, वेट करते हैं, लिफ्ट आएगी गाड़ी बिठाएंगे उसमें एंड फिर जाएंगे नीचे, टाइम तो लगेगा। फिर मेरे को घर जाना है, घर जाते सबसे पहले ब्रॉनी को लेके जाना वॉक पे, फिर मेरे ब्रॉनू को सुसु पॉटी आया होगा 5:30 हो गया, मतलब उसको 6 तक आता है, बट मैं 10:15 में पहुंच के सबसे पहले उसको नीचे लेके जाऊंगा ताकि मेरा बच्चा आराम से हल्का हो जाए। आगे लिफ्ट, आगे 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 हैप्पीनेस। चलते हैं अभी घर। क्लाइड बाहर ही खड़ा है और लिफ्ट चल रही है, बेस्ट एडवेंचर। अलग ही सिस्टम है यार, बहुत डिफरेंट। अब सीधा निकलेंगे हम ग्राउंड फ्लोर पे, मतलब बॉम्बे में देखा मैंने सिस्टम ऐसे, हमारे वहाँ पंजाब पंजूब में तो जरूरत ही नहीं पड़ती इतनी पार्किंग की, पार्किंग है वहाँ तो कहीं पे भी गाड़ी लगा दो, इतने बड़े ग्राउंड्स होते हैं, पार्किंग भी बड़ी बड़ी होती है। ये तो देख लो, बस एक गाड़ी आएगी एंड वो ही सारी, और सब गाड़ियों के सब फ्लोर के लिए एक ही लिफ्ट है। शिट्स मैड। चलो पहुंच चुके हैं फाइनली ग्राउंड फ्लोर पे, ये निकले हम। चलो लेट्स गो। तो गाइस उन्नति आ चुकी है, मैंने वीडियो ऑन किया तब मेरे को थोड़ा सा पता लगा कि हमने सेम थे, ऑलमोस्ट सेम कपड़े डाले हैं। घर पे कौन आया? बट बेल बजी, बट यस मेरे को अब टाइम मिला, मैं शूट करने के बाद घर आके ब्रॉनी को वॉक पे ले गया था एंड अपने अंडे खुद बॉयल वगैरह जो करने थे
वो सब में टाइम लग गया, बट अब टाइम मिला है तो मैं सारे वो जो अमेजोन के पार्सल आया वो अनपैक कर दूंगा। एंड अगर आप फ्री हो तो वो बनाए हम स्नीकर वाले शू बॉक्सेस बनाए मेरे, चलो वो भी करते हैं, देखे कौन आया। ओके, जो सबसे पहली चीज ये मैंने खोली ली थी, ये उन्नति ने मंगाया मेरे लिए, पता नहीं क्यों, ये पैकिंग क्यूब्स है, पैकिंग क्यूब्स। ये तो माई ही दे दोनों, ब्रॉनी थोड़ा सा ही लो पीछे हो जो, गुड बॉय। हाँ, तो ये पैकिंग क्यूब्स सब बताओ जरा, मतलब अगर आप सूटकेस में सामान रख रहे हो तो ये इसके अंदर डाल के रखो एंड फिर निकली जा रही अंदर से चीजें। हाँ स्किन केयर से लग रहा है, इस जगह स्किन केयर ही होता है सिर्फ। अमेज़न से चीजें अनबॉक्स कर रहे हैं जो मतलब जिसमें शू मिलते हैं एलवी नहीं काफी ट्रैवल वाली चीजें मंगा ली आपने, पता नहीं क्यों कभी भी जरूरत पड़ सकती है। काफी ज्यादा है तो 10 मंगा लिए, आप लेके भी 10 जाते हो। मैं सबसे शूज तो मैं कपड़ों से ज्यादा मैं शूज लेके जाता हूँ। आप क्यों खुश हो रहे हो ब्रॉनी, आपके लिए नहीं है कुछ कन्वर्टर, दिस इज फॉर माय लैपटॉप, जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे को कन्वर्टर चाहिए होता है जिससे मैं अपने मेमोरी कार्ड डाल के डाटा ले लूँ, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे पास खुद। मैं हमेशा आजकल लेके भाग जाता हूँ, फिर वो कहता था मेरा कन्वर्टर वापस कर, मेरे को एडिट करना है, तो मैं ले लिया, काम आ जाएगा जीवन। ओके, ये मंगवाए हैं हमने ग्लास घर के लिए, तो आपको ओ, ये तो बहुत छोटे लग रहे हैं, ये रिशु का काम है, रिशु ने मेरी कार्ट में ऐड किए थे, ये तो बहुत ही गद्दू लग रहे हैं, बट ठीक है पानी पीने के लिए तो सही है कि नहीं। कितने मंगाए उसे टोटल, 6 आई गए, 6 ग्लासेस है। आपको पता मैं ऐसे ही सिर्फ इसी ग्लास में पीता हूँ, मैं अपने घर पे भी, तो पानी पीने के लिए तो अच्छे हैं, नॉट बैड, थोड़ा छोटा साइज है बट चलेगा। रिशु ने मंगाया ना, इसलिए छोटू बच्चों वाले मंगा लिए, बट ये बेस्ट रहते हैं। एक तो ये डबल रहते हैं, डबल लेयर, इसी में मैं कॉफी पीता हूँ, इस पे पानी पीता था अपने घर उधर भी, रोपड़ में भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे एक ही था ये सिर्फ, तो अब ये 6 मंगा लिए गेस्ट वगैरह के लिए एंड सबके लिए जो भी घर पे आएगा इसमें, बिकॉज हमने पहले जो रखे हुए थे कांच के फूटी जा रहे थे अपने आप ही फूटी जा रहे थे भाई, उनको पता नहीं क्या हो गया था, सारे फूट गए जितने भी थे, 6-7 थे सब फूट गए, तो ये अब हमने 6 मंगा लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इस पे पियेंगे हम पानी एंड इस पे आपको भी पानी पिलाएंगे। अच्छा। ये तो हो गया हमारे अमेज़न वाले, अब थोड़ी देर में अभी रश चाहिए, काफी वो हो गया है अनबॉक्सिंग, इसके बाद जो मेन अनबॉक्सिंग करनी है शू बॉक्सेस की, 15 बॉक्सेस बनाने हमें, 15 को भी बिठा देंगे, सब बैठ के बनाएंगे, तीनों बैठ के बनाएंगे। So guys, it's time to make the boxes. Unnati is gonna help. Rishu ने शुरू भी कर दिया है। Rishu is quick. ये ट्रांसपेरेंट वाले हैं। क्योंकि वहाँ पे रखने हैं अलग जगह पे, वहाँ पे लैग अच्छे भी करेंगे। इसमें मेरी कितना है? मेरी कितना है? इसमें से ले लियो यार। तो ट्राई यूज कर लूंगा सारे। इसके बाद ले लियो। चल। तो गाइस ये यहाँ पे कर दिया सेट, ही कुछ ऐसा लगने वाला है, यहाँ पे आएंगे सारे शूज, उन्हें थोड़ी शॉक्ड है कि मैं शू स्टोर में आ गई हूँ किसी, तो शूज़
वो पूरी लाइन शूज, ऊपर शूज एंड अब यहाँ पे भी शूज। आई एम रियली सॉरी। सो गाइस, रूम की और घर की थोड़ी बहुत सेटिंग कर ली थी, बॉक्सेस वगैरह लगा दिए थे, सामान अनपैक कर दिया था एंड अभी मेरे को टाइम मिल रहा है जिम जाने का। टाइम हुआ है 11 PM, काफी लेट हो चुका है बट ठीक है, नॉट बैड। मेरे को लग रहा था इससे भी लेट जाऊंगा, 11 बजे जा रहा हूँ तो 12:30 तक फ्री हो जाऊंगा। जैसे बाइसेप और एब्स है तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बट वेरी फन डे बिकॉज बाइसेप्स वाले दिन बहुत मजा आता है। तो अभी चलता हूँ, फिर देखता हूँ रात को आके भी मेरे को लगता है ऑर्डर ही करना पड़ेगा कुछ डिनर, तो करते हैं डिसाइड। अभी के लिए जिम लगाते हैं अच्छे से, लेट्स गो। सो गाइस, डन विद द वर्कआउट, डन विद बाइसेप्स एंड एब्स एंड व्हाट अ वर्कआउट। पूरा खाली था जिम, इस टाइम का बस एक ही प्लस पॉइंट है कि जिम खाली होता है, बाकी इस टाइम एनर्जी तो बहुत कम होती है। बट वर्कआउट हो चुका है, डन। अभी घर जाके कुछ खाऊं, घर जाके क्या, मेरे को लगता है मेरे को गाड़ी में बैठ के ऑर्डर करना पड़ेगा। अभी गाड़ी में बैठ के जोमेटो से कुछ ऑर्डर करता हूँ एंड कुछ सैलड वगैरह मंगाता हूँ, बिकॉज घर पे तो कुछ रेडी नहीं है। घर पे सिर्फ जाके प्रोटीन पी सकता हूँ डायरेक्ट, दैट्स इट। खाने के लिए तो कुछ मंगाने पड़ेगा बाहर से। ऑल्सो आज घर बहुत साफ किया यार, बहुत सेटिंग की घर की, बट स्टिल मेरे रूम की थोड़ी सी सेटिंग रहेगी, वो मैं अभी जाके करूंगा। अभी भी मेरा बहुत दिन पड़ा है, अभी रात के 1 बज चुके हैं मेरे को यहाँ पे, बट स्टिल मेरे को लगता है मैं 3-4 बजे सोऊंगा बिकॉज बहुत रूम का भी काम करना है। तो चलते हैं पहले जाकर कुछ खाते हैं एंड फिर अपना रूम प्रॉपर आज तो पूरा चमका दूंगा। सो गाइस, बैक होम, सुपर टायर्ड। आते ही ब्रॉनी को वॉक पे लेके गया था, 30 मिनट्स वहां लग गए एंड मैंने तभी अपना सैलड ऑर्डर कर लिया था एंड सैलड आ चुका है। तभी मैं अपना डिनर करता हूँ, उसके बाद फिर आई स्टार्ट क्लीनिंग द रूम। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं तो काफ़ी चीज़ें पता भी लगती हैं, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, तो वही फेस चल रहा है। बट ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खाना अगर आ जाए तो उसके बाद सब सॉर्ट हो जाता है। तो खाना खाता हूँ ब्रॉनी के साथ, मेरे गूगली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ एंड फिर उसके बाद स्टार्ट विद द रूम। सो गाइस, आफ्टर 2 आवर्स ऑफ मेहनत रूम साफ हो चुका है, सब कुछ सेट कर दिया है, सब कुछ ही कर दिया, पोछा, डस्टिंग, वैक्यूम क्लीनर, रूम सेटिंग सब कर दिया है। 2 घंटे लग गए, 3:30 हो चुका है टाइम एंड मेरे को अभी व्लॉग एडिट करना स्टार्ट कर देना चाहिए एंड उसके बाद सो जाना चाहिए बिकॉज सुबह भी जल्दी उठ के मेरे को बैंक के काम करने एक दो एंड यहीं पे करते हैं आज का व्लॉग खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। I'll see you guys tomorrow with another vlog. चलो, ब्रॉनी तो हो गया, गुड नाइट, मैं भी सोने लगा।